टेल बोन में दर्द क्यों होता है और आप घर बैठे वो दर्द को कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर ध्रुवी गांधी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, टीम थ्रेड्स फिजियो। आखिर टेल बोन में दर्द क्यों आता है और अगर आपको टेल बोन में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको टेल बोन में दर्द आता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये टेल बोन पेन होता क्या है। टेल बोन पेन, जिसको हम इंग्लिश में कॉक्सीडेनिया या कॉक्सलजिया भी बोलते हैं, जो कमर की सबसे आखिरी हड्डी होती है वहां पे पेन को हम टेल बोन पेन कहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइक जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक फैक्टर। अगर आप कहीं से गिर गए हो तो आपको वहां पे, अगर बार बार आपको इसी एक ही जगह पे चोट लगी है तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। ज्यादातर देखा गया है कि फीमेल में टेलबोन पेन ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपकी आपको ओबेसिटी हो गई है तो भी आपको टेलबोन पेन हो सकता है। तो ये सारे कारण है, क्या क्या लक्षण है जिसकी वजह से आपको टेलबोन पेन आता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है कि अगर आप एक ही जगह पे, अगर लंबे समय से आप एक ही जगह पे बैठे हो तो आपको दर्द आता है। अगर आप सो के उठे हो तो आपको वो जगह पे दर्द आता है। अगर आपने टच किया वो जगह को, उस कमर का जो सबसे आखिरी हिस्सा है वहां पे आपने टच किया तो वहां पे सुन्नपना लगता है। अगर आपका जो SI जॉइंट है, जिसको सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, वो अगर आपका हाइपोमोबाइल है, उसमें स्टिफनेस हो गई है तो भी आपको टेलबोन में पेन आता है। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर आपको ये टेलबोन पेन है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको टेलबोन पेन है, तो वो है कि आपको ज्यादातर एक ही पोजीशन में बैठना जो है वो अवॉइड करना है। दूसरी चीज है कि अगर कोई हार्ड सरफेस है, जैसे कि आप अगर कोई हार्ड सरफेस में टेबल है तो वो उस पे आप नहीं बैठ सकते हो। उसके अल्टरनेटिव में आपको सैक्रल कुशन जो स्क्वायर शेप का होता है, वो सैक्रल कुशन यूज करके आप, वो चेयर है, कार ड्राइव करते वक्त भी आप वो कुशन यूज कर सकते हो, तो वो करना है आपको। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको हॉट वाटर बाथ लेना है, जिसको सिड्स बाथ भी बोला जाता है। तो आपको गर्म पानी का जो भी वो बाथ आता है, अगर आप उस पे बैठे हो, आपका जो दर्द है उसमें काफी राहत मिलेगी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज आपको लगातार करनी है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें टेलबोन में पेन है तो करनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग, तो आपको पाइरिफॉर्मिस मसल्स का स्ट्रेचिंग करना होता है। दूसरी चीज है कि आपको बैक और कोर की एक्सरसाइज जो है वो करनी होती है। और तीसरी है जो जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, तो उससे आपको काफी राहत मिलेगी अगर आपको टेलबोन पेन है।